पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तआवुन की यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीरे आज़म ने सी पैक मनसूबे पाक चीन दोस्ती के नए बाब का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में चीनी नायब वज़ीरे आज़म की पाकिस्तान आमद को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीरे आज़म ने वाज़े किया कि इन सूबों का आगाज़ नवाज शरीफ के दौर में हुआ और मुल्क में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का चीन की जानिब से माली मदद पर इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में चाइना बैंक की इफ्तिताही तकरीब के दौरान वाज़ेह कर दिया कि बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान तआवुन जारी है। यकीन है पाकिस्तान दोबारा मुआशी तौर पर मुस्तहकम होगा। मुआशी अशारियों में बेहतरी की नवीद भी सुना दी। मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आने लगीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 2 साल बाद 48,000 की हद अबूर कर गया। बाजार हिस्स में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी डॉलर की कीमत में भी कमी। इंटर बैंक में डॉलर 45 पैसे सस्ता, कीमत 286 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मामूली उतार चढ़ाव जारी। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए नया सिस्टम तैयार। 4 इदारों का मुनाफा डायरेक्ट गर्दिशी कर्जे की अदायगी के अकाउंट में जाएगा। OGDCL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, सुई नॉर्दर्न और सदरन कंपनीज शामिल। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के लिए कमर कस ली। 30% नए चेहरों के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया। नवाज शरीफ की वापसी पर दीगर पार्टीज के अफराद भी नून लीग में शामिल होंगे। ज़राए का दावा, लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान भी मुतवक्के है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए सियासी बैठकें लगने का सिलसिला जारी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने 3 नाम तजवीज़ करने का इंदिया दे दिया। वाज़े किया कि माहिर मईशत, सियासतदान और टेक्नोक्रेट्स के नाम ज़ेर गौर हैं। मामले पर बुध को हिज़्ब इख़्तिलाफ़ के अरकान से मुलाकात भी होगी। नेस्ला टावर केस में साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मंजूर काका गिरफ्तार। मंजूर काका जमानत के लिए एंटी करप्शन कोर्ट में पेश हुए थे। अदालत ने अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम खैर मोहम्मद की अबूरी जमानत भी मंसूख। अदालत ने हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया। और भावनगर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां तेज हो गई। यसीन का साहूका मेन कारपेट रोड में 150 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सड़क टूटने से दर्जनों आबादियों का जमीनी रास्ता मुनकता। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। चिश्तियाँ के करीब 2 लाख कुका की 50 बस्तियाँ डूब गई। आरिफ वाला में सैलाबी रेला नूरा रथ बन से टकरा गया। खस्ता हाल बंज टूटने का खदशा। जगह जगह दराने पड़ गई। इतला के बावजूद इंतजामिया महू खाफ।